हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग एंजल वन में स्टॉप लॉस किस तरह से लगा सकते हैं, वो भी अपने डिलीवरी ट्रेड्स पर। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले तो यहां पर आप लोगों को सर्च कर लेना है जिस भी स्टॉक पर आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर मैंने जैसे कि टाटा पावर का ये स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है, 265 रुपीज़ का स्टॉक है। अब मैं इसे कर लेता हूँ बाय। बाय पर मैंने क्लिक किया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिमिट और मार्केट, आप लोग किसी पर भी इसे बाय कर सकते हैं। पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स, तो एक शेयर मैं डाल देता हूँ। आप लोग जितने भी शेयर पे स्टॉप लॉस लगाना चाहें उतने शेयर यहाँ पर एंटर कर दीजिए। यह अभी मैंने बाय नहीं किया है, और आप लोग पहले से जो बाय हो चुके हैं उन पर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर इसे मैंने मार्केट कर दिया, एंड मार्केट कर देने के बाद आप लोगों को नीचे ऑप्शन दिखेगा स्मार्ट ऑर्डर्स स्टॉप लॉस NGTT। आप लोगों को उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन देंगे, एक स्टॉप लॉस का, एक है क्रिएट GTT का। स्टॉप लॉस पे आप लोगों को क्लिक करेंगे अगर आप लोग, तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए ट्रिगर प्राइस दिख जाएगा। आप लोग अपना ट्रिगर प्राइस जो भी चाहे रख सकते हैं, जैसे 290। एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर मार्केट प्राइस भी है, ट्रिगर प्राइस भी है। आप लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर आप लोग 250 में से सेल करना चाहें 250 रख दीजिए। अब जैसे ही ये 250 आएगा ऑटोमेटिकली ये सेल हो जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस होता है एक दिन के लिए, इसलिए मैं इसे सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, उसकी जगह GTT लगा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग डिलीवरी पर बाय कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों के से एक साल के लिए मिनिमम स्टॉप लॉस तो लगाना ही होगा, इसलिए आप लोग यहाँ पर देखिए क्रिएट GTT पर क्लिक कर दीजिए। क्रिएट GTT पर क्लिक करने के बाद आप लोगों का ट्रिगर प्राइस दिख जाएगा 10% कम पे, तो आप लोग यहाँ पर 10% अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी प्राइस है, लिमिट प्राइस मैं कर देता हूँ 265। अब आप लोग देखिए यहाँ पर 10% के हिसाब से ये स्टॉप लॉस लग चुका है, 265 से 238 जैसे ही आएगा ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। अब आप लोगों को इसे क्रिएट GTT पर बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आप कंफर्म कर देना है। कंफर्म करते ही आप लोग देख सकते हैं ये हो चुका है क्रिएट GTT। देखिए अब ये देखिए यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ है ऊपर, और लिखा हुआ है एक्सपायरी 18 सितंबर 2024। पूरा एक साल का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अब एक साल के अंदर अगर इससे कम प्राइस जाता है तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, या फिर जिसने पहले से यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, दोनों के लिए मैं अब बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पर प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है और अब आप लोगों को स्टॉप लॉस थोड़ा आगे बढ़ाना है, मतलब 250 तक स्टॉप लॉस अब लगाना है यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करिए और एडिट ऑर्डर के बटन पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं एडिट GTT ऑर्डर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को देखिए लिमिट प्राइस 265 है, मान लीजिए 280 चला जाता है, तो आप लोगों को यहाँ पर स्टॉप लॉस देखिए 10% का लगा लेना है अपने हिसाब से। जैसे कि आप लोग यहाँ पर जितने के भी लगाना चाहे, अगर 260 पे आपका चला जाता है स्टॉक का और आप लोगों को वहाँ पर सेल करना है तो 260 कर दीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिमिट प्राइस मैंने बढ़ा दिया है एंड स्टॉप लॉस भी बढ़ा दिया है, और इसे कन्फर्म कर दीजिए। सो गाइस, कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दिए गए बेल आइकन में क्लिक करके ऑल में टर्न कर दीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।